डी फ्रेंड्स, वेलकम इन SNS मैथ्स क्लास। हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन CBSE सैंपल पेपर 2019 में जो क्वेश्चन गिवन है उसको आज सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमें अच्छा लगा तो हमने उस क्वेश्चन को पिक किया है, और साथ में ही एक क्वेश्चन हम ये जो ब्लैक कलर से आप देख रहे हैं क्वेश्चन लिखा हुआ, ये CBSE सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन हमने सिमिलर क्वेश्चन हमने ढूंढा, क्योंकि लेट्स सी कि इस तरह का कोई क्वेश्चन हमें कहीं और मिल जाए। सो हमें एक क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर में मिल गया है सेम क्वेश्चन, सो वो हमने अलग से मेंशन कर दिया है जो NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। सो आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का है तो एक बार तुम्हारे दिमाग में जरूर आएगा कि प्रॉपर्टी अप्लाई करें, एक चीज। दूसरा हमें एक और ध्यान आएगा कि प्रॉपर्टी के साथ साथ हम शायद ये भी सोच पाए क्वेश्चन को लेके कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये -1:1 है, और -1:1 के लिए हमें जैसे हम देखते हैं तो हमें एक प्रॉपर्टी याद आती है कि -a to a fx dx जो है ये जीरो होता है इफ fx इज ऑड फंक्शन, और ये ट्वाइस 0 to a fx dx होता है अगर ये fx इवन फंक्शन है। तो इसका एक चीज तो ध्यान में जरूर आएगा कि शायद ये क्वेश्चन इसका भी इस कैटेगरी का भी हो, ओके। लेकिन हम स्टार्टिंग में अगर इसको चेक करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज दिस, ये इवन है फंक्शन है ऑड फंक्शन है, सो अभी ये कंबाइंड तो ये कंप्लीट फंक्शन ना तो इवन है ना ऑड है। वन मोर हिंट कि एक्स स्क्वायर जो है वो मोड एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों इक्वल होते हैं ना, इसको हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। सी हाउ वी आर डूइंग द मॉडिफिकेशन। सी देखिए, एक्स को हमने अलग कर दिया और ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 2 mod x प्लस 1 dx प्लस रेस्ट पार्ट हमारा क्या है, रेस्ट पार्ट है मॉड एक्स प्लस 1 अगेन होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 mod x प्लस 1 dx। सो नाउ सी क्वेश्चन किस फॉर्म में अब जा रहा है। एक्स क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते मॉड एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है वो तो मॉड एक्स का होल स्क्वायर होगा। सो मॉड एक्स होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड एक्स प्लस 1, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। अगेन -1:1 यहाँ भी है मॉड एक्स प्लस 1 द होल डिवाइड बाय मॉड एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। इसमें तो एक पार्ट ही कैंसिल हो गया। सो नाउ सी एक फंक्शन हमारे पास यहाँ है fx x ओवर मॉड एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, और एक दूसरा फंक्शन हमारे पास है 1 ओवर मॉड एक्स प्लस 1। ओके, दिस आर टू फंक्शन। ओके, सो नाउ दिस वन इज एन ऑड फंक्शन और दिस वन इज इवन फंक्शन। कैसे पता लगा, हम x के प्लेस पे माइनस x पुट करते हैं, तो जैसे ही माइनस x पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -x ओवर मॉड एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज -fx। लेकिन ये फंक्शन इस फंक्शन में अगर हम माइनस एक्स पुट करते हैं तो क्योंकि मॉड के कारण तो माइनस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, सो नाउ फर्स्ट वन इज ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन में व्हाट दिस फॉर्मूला टेल्स, द आंसर इज जीरो। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर तो जीरो हो गया। नाउ सेकंड पार्ट में हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सो नाउ वी हैव ट्वाइस 0 to 1 1 ओवर मॉड एक्स प्लस 1 dx, राइट। अब 0 to 1 पे मॉड एक्स तो एक्स ही होता है, तो इसको हम x से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं होगा क्वेश्चन के अंदर। इसको हम लिख सकते हैं x plus 1 dx। ओके, सो नाउ ये तो जीरो हो गया, लेट अस लीव इट ना ट्वाइस। व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन विल बी log x plus 1, द लिमिट इज 0 to 1, लेट अस पुट द लिमिट, सो वी शैल गेट log 2, सो ट्वाइस log 2 है द आंसर। ओके, अब ये तो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया by using even function, odd function. But now see, I am giving you one more hint for this question. Okay, are you getting the point now how we have solved this question? हमने इस question को कैसे solve किया है? Now see another part. ये जो function है हमारा है, now the function is x plus mod x plus 1 the whole divided by x square plus 2 mod x plus 1. See here, इस function को हम जब x हमारा 0 to 1 होगा, है ना, सो दैट मीन लेस देन 0, जब ये लेस देन 0 होगा तो मॉड x जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन x माइनस एक्स प्लस 1 द होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ओके। और जब x पॉजिटिव होगा
यही क्वेश्चन हो जाएगा एक्स प्लस एक्स प्लस वन द होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन. हम ये लिख सकते हैं ना, यस सर, राइट ना. ये हमारा फंक्शन है एक्स प्लस मॉड एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस टू मॉड एक्स प्लस वन. अगर एक्स लेस देन जीरो होगा दैट मीन लेस देन जीरो मतलब माइनस वन से जीरो के बीच में, क्योंकि हमारे क्वेश्चन की लिमिट है माइनस वन टू वन. तो जब ये माइनस वन से जीरो के बीच में होगा आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स लाई बिटवीन माइनस वन टू जीरो. ओके, सो उसमें मॉड एक्स की जब हम माइनस एक्स पुट करेंगे तो सिंपली वन ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बन गया ये. ओके, एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब हो गया जीरो से लेके वन के बीच में. उस केस में ये 2x प्लस वन और ये x प्लस वन का होल स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन फिर रिड्यूस, फिर ये चेंज हो गया. आप चाहें तो इस इंटीग्रेशन को बिना इवन ऑड फंक्शन के आप जीरो माइनस वन से जीरो और जीरो से वन के फॉर्म में ये दोनों वैल्यू पुट करके भी इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो डियर फ्रेंड्स, एक बार आप इस फॉर्म में भी इसको यूज करके भी इंटीग्रेट करने की कोशिश कीजिएगा. बट दिस इज द बेस्ट मेथड, ये मेथड शायद ज़्यादा बेटर होगा. और कंपेयर करिएगा दोनों मेथड में कि मेथड जो हमने भी यहाँ पर सॉल्व किया वो, और अगर आप उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज मेथड्स. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हमने अभी मुझे उम्मीद है कि सीबीएसई सैंपल तो 2019 के इन डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन का भी वीडियो आपने देखा होगा. सो अभी हमने इंटीग्रेशन पोर्शन सीबीएसई सैंपल पेपर 2019 का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. सो जस्ट एंजॉय द मैथमेटिक्स, डू लॉट ऑफ क्वेश्चन. जितने क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आप करेंगे, मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो हमारी कहीं ना कहीं रीजनिंग एबिलिटी, हमारी थिंकिंग, जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको और एनहांस करता है और हमें क्वेश्चन करने में और मदद मिलती है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.